मुंबई में विरोधी इंडिया मेंटर बड़ निष्पत्ति एक हो लोकसभा निर्वाचन लड़े समस्त दल सेप्टेम्बर 30 तारीख सुधा शेष हेब आसन बुझामणा प्रक्रिया आ सारा देश में राली और समावेश कर इंडिया मेंट बैठक में 13 जनिया समन्वय समिति घोषणा कर कांग्रेस पक्षर केसी वेणुगोपाल आप पक्षर राघव चढ़ा आरजेडी पक्षर तेजस्वी यादव जेडीयू ललन सिंह टीएमसी अभिषेक बनर्जी डीएमके एमके स्टालिन और जेएमएम हेमंत सोरेन सामिल होती तेरे गांधी परिवार पक्षर कौन सदस्य एथिरे कैंपेन कमिटी सहित सोशल मीडिया कमिटी घोषणा कर बैठक में मेंटर आभिमुख्य आसन बुझामणा भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना होई तेरे लोगो किंबा संयोजक प्रसंग में कौन घोषणा होना बैठक पर प्रेस मीट कर समस्त नेताए आभिमुख्य स्पष्ट करछंती कि बीजेपी को पराजित करा से नहीं रणनीति आरंभ होई बोली नेताए कहिछंती तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे ये यकीन मैं जानता हूं क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहां पे पद के लिए नहीं आया है। मेंटर बैठक मुंबई में अनुष्ठित होती है और बैठक पर समस्त नजर रही समस्त नजर रही कि वास्तव में आईएनडीआईए मेंट भितर आसन बुझामणा केमी यार भितर बड़ अपडेट बा सूचना आसूची कि 30 तारीख सुधा अर्थात सेप्टेम्बर 30 सुधा आसन बुझामणा नहीं गोटे चूड़ांत निष्पत्ति निया आगामी समय समन्वय केमी रक्षा करास्तव में यह समन्वय रक्षा संभव कि डीआईए मेंटरे वरिष्ठ सांबादिक जतीन दास आम सहित जोड़ुछंती। श्रीयुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची, जमीती मुझे कहली कि 30 तारीख सुधा सेप्टेम्बर 30 तारीख सुधा आसन बुझामणापी स्थिर कर इंडिया मेंट पक्ष के दूर संभव एवं चैलेंजेस कौन सब आसीपे? देखो चैलेंजेस तो निश्चित भाव अच्छे, बर्तमान जो बैठक अनुष्ठित ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ରାଲି କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଟା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟର ଯୋଉ 28ଟା ଦଳ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲିଡର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାଲି କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ଅପୋଜିସନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ରିଜଲ୍ଭ କରିବେ ସେଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନବ କି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ, କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ, ତ ସେମାନେ ସେଠି ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହାଇ ପାୱାର
जोटा सब टॉप लेवल जो लीडर्स मानक नहीं कि जो मैंने कि क्विक डिसीजन नहीं पारे जो थे विभिन्न पार्टी रिप्रेजेंटेशन अच्छी ता बाहर भी अनेक गुड़ाई कमिटी से मैंने बनई किंतु सेने के दूर आग को गोटे यही थर मैंने सामना को सिंगल लीडर को आनी ना तेणु गोटे तो हूँ लीडरशिप द्वितीय आपर जो ये जो इंटरेस्ट अच्छी ताकूमी रिजल्व करी पब्लिक रेस्पन्स कौन होने जो समन्वय कमिटी आपण जो कथा कहते गोटे तेरह जनीया समन्वय कमिटी गठन करू कमिटी में राहुल गांधी नहांती सोनिया गांधी नहांती प्रियंका गांधी नहांती बा कौन वार्ता देवाई चाहूँगी वास्तव में इंडिया मेंट नहीं बोधे स्ट्राटेजिकली से कैंपेन करेंगे बोधे बोधे कमिटी से रखी ना से भाया मानने परलक्षित होती कांग्रेस अध्यक्ष पद राहुल गांधी नियंतु बोले डिमांड होता कि जानते पब्लिक एटेंशन को से गोटे पटे मेट उपर रखे आ गोटे पटे कांग्रेस जो टॉप लीडरशिप अच्छा राहुल गांधी हेले प्रियंका गांधी हेले मैंने कैंपेन करेंगे तेणु से गोटे रणकौशल एडप्ट करुवा परलक्षित होती कितु सक्सेस जो क्वेश्चन गुडाक लोक अच्छी रिजल्व करेंगे से देखार कथा अन्य पक्ष में जोटा एनडीए तरफ प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में जो सरकार से तरफ आप जानते जे बहुत गुड़ाए रणकौशल या गोटे कैंपेन से लंच जोटा कि मेरा माटी मेरा देश मानने जो जोटा मानने कलश जात्रा गोटे हबार अच्छी तो उभय पक्ष वर्तमान निर्वाचन जिते राजनीतिक दल मैने निश्चित समस्ते निज निजर पूर्व प्रस्तुति खूब जोरसोर चलते कहीं कौन अपॉर्चुनिटी छाड़िया पाई चाहते बिल्कुल अनेपटे देश में आउ गोटे चर्चा जेहतु सरकार स्वतंत्र अधिवेशन डकई स्वतंत्र अधिवेशन कौन निष्पत्ति नहीं पारती वास्तव में बिल पास हेब ना सरकार को भांगी दिजाव आगुआ निर्वाचन करने नहीं घोषणा करपारती ए तमाम दिग्वर नजर रही कि आईएनडीआईए मेंटर आम देखुचे आउ तीस दिन भितर आसन बुझामणा हो किए के जगार निर्वाचन लड़े सबकि तय होर्थात से प्रस्तुति आरंभ कर सारे कि हूं तो जदि नवेम्बर डिसेम्बर में निर्वाचन हुए तो आमपाई कौन असुविधा न हो से बोधे प्रस्तुति इंडिया मेंटर कहुपे देखो जनरल इलेक्शन हूँ गोटे मुख्य निर्वाचन स्टेट इलेक्शन भारतीय स्तर में जो मान पार्लियामेंट इलेक्शन अच्छी तो पार्लियामेंट इलेक्शन हूँ मेन इलेक्शन देशर तेणु तापाई सबु दल पूर्व प्रस्तुति बहुत पूर्व करेणु से परिप्रेक्षी में जिते बड़े गोटे अपोजिशन से तो से सबू जिन जदिव फर्माली बैठक हो जो आलोचना होंतु पूर्व अनऑफिशियली कथबार्ता होता स्वाभाविक तेणु से पब्लिक को जो जिन कौन मान कि जिनस से जो स्ट्रेटेजी अनुसार पब्लिक करे तेणु से आगामी दिन में कौन स्ट्रेटेजी रोचे आमती से जो मेनली सीट शेयरिंग जोटा से हैंडल कर लीडरशिप इश्यू किमती से रिजल्व करेंगे तापर कमन मिनिमम प्रोग्राम जो से एजेंडा बनइबे से कौन र जनसाधारण मेंटर प्रभाव कौन पड़े तो समय कह श्रीजुक्त दास ये तो नुआ मेंट नुहे 2019 रे समान कथा देखी थे जहाँ को वर्तमान बीजेपी कहूँ कि ये केवल यूपीए 2.0 प्रभावहीन हो कौन प्रभाव पड़े ना कारण 2019 जहाँ होता ही हम ये देखुं नहीं देखो तो किसी स्टेट रे तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट माने विरोधी दल जदि से नामकरण ही नाला किंतु ओपोजिशन मेंट तो कतेक स्टेट रे विशेष सक्सेसफुल कर्नाटक रे किंतु कांग्रेस को भल सफलता मिली जोटा कि भितर गोटे उत्साह भी सृष्टि करते से बहुत गुड़े इश्यूज को से भावुं लोकता एक्सेप्ट करेंगे तेणु मानने कौन रणकौशल रोचे आगामी दिन में
जनापड़ रेस्पन्स से राी करेंगे बिल्कुल जनता को शैली निकटतर हो सब प्रसंग उठे जनता जाऊँगी जनता किभली भाव में ग्रहण करुँच समत बहुत किसी स्पष्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त दास आम सहित आलोचना करने।